गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को भी देखने वाले हैं और डाइलेक्ट्रिक में टू टाइप्स देखने वाले हैं डाईलैक्ट्रिक के पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक अब डाइलेक्ट्रिक यानी क्या है उसको पहले हम डिटेल में देखेंगे फिर उसके जो दो टाइप्स है पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक उसको देखेंगे और उसके बाद में जो इन द एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर डाईलैक्ट्रिक कैसा दिखता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है वैसे ही नॉन पोलर का भी कंसेप्ट देखने वाले हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको अब डाईलैक्ट्रिक यानी क्या है डाईलैक्ट्रिक यानी जो मटेरियल कंडक्टिंग नहीं होता है ऐसा सब्सटेंस कि जो नॉन कंडक्टिंग है उसको कहते हैं डाईलैक्ट्रिक अब नॉन कंडक्टिंग यानी क्या है नॉन कंडक्टिंग यानी वो इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसमिट नहीं करता है ठीक है यानी उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसमिट नहीं होता है ऐसे ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं डाईलैक्ट्रिक तो यहाँ पे इसीलिए फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है डाइलेक्ट्रिक मीन्स क्या है डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस विच कैन नॉट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम यानी उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसमिट नहीं होता है ठीक है क्या एग्जाम्पल्स है डाईलैक्ट्रिक के वो दिए है ग्लास देखो सेकेंड नंबर में ग्लास वैक्स वाटर माइका रबर स्टोन प्लास्टिक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक यानी ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं रहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें से ट्रांसमिट नहीं होता है ठीक है ग्लास वैक्स वाटर माइका रबर स्टोन प्लास्टिक आर द डाईलैक्ट्रिक सब्सटेंसेस ठीक है डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस समझ में आया अब ये अगर उसमें से नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है तो उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है ठीक है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो चार्ज कैरियर यानी कैरियर क्या रहेगा कोई भी नहीं रहेगा ना तो इसीलिए थर्ड पॉइंट में देखो क्या है डायलैक्ट्रिक सब्सटेंसेस डू नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है डू नॉट कंटेन ये इतना इंपॉर्टेंट है डू नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम सो दे हैव नो चार्ज कैरियर्स उसमें चार्ज कैरियर्स यानी वो चार्ज कैरियर्स नहीं है ठीक है समझ में आया ये डायलैक्ट्रिक सब्सटेंसेस में क्या नहीं है कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि वो कंडक्टिंग सब्सटेंस ही नहीं है ओके okay? समझ में आया अब कंडक्टिंग नहीं है तो क्या है वो इंसुलेटर्स है है ना उसमें से कंडक्शन ही नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सो दे आर डायलैक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स विच कैन बी यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी ठीक है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है बट कैरियर करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि वो कंडक्टर ही नहीं है ठीक है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस बोला है हमने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको दिखाई दे रहा है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस है वो तो इसीलिए हम बोलेंगे अब फोर्थ नंबर के पॉइंट को देखिए डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेट्स इंसुलेटर है वो ठीक है विच कैन नॉट विच कैन बी यूज विच कैन बी यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसलिए वो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट दे कैन नॉट बी ट्रांसमिट ट्रांसमिट नहीं करता है ठीक है इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसमिट ही नहीं करता बट वो इट स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये याद रखना है ठीक है तो अब डायइलेक्ट्रिक के हमको दो टाइप्स को देखने हैं फर्स्ट वन इज पोलर डायलैक्ट्रिक्स एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स तो फिफ्थ नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं डायइलेक्ट्रिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज पोलर डायलैक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स समझ में आए ये फाइव पॉइंट्स डायइलेक्ट्रिक अगर आपको पूछा है एक्सप्लेन डायइलेक्ट्रिक्स कंसेप्ट क्या है डायइलेक्ट्रिक का तो पहले तो वो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है जो मैंने रेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट पॉइंट नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है ठीक है फर्स्ट तो वो यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसमिट नहीं करता है ठीक है एग्जाम्पल्स उसके क्या क्या है ग्लास वैक्स वाटर माइका रबर स्टोन प्लास्टिक ये जो है ठीक है उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है ठीक है तो यहाँ पे इसे थर्ड नंबर पे देखो मैंने नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आपको नोट्स बनानी है फर्स्ट में आप फर्स्ट नोट्स में फर्स्ट पॉइंट में लिखे हुए नोट्स में नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है यानी याद रखने के लिए इजी जाएगा सेकंड वन उसके एग्जांपल्स है थर्ड वन नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन फोर्थ वन सो दे आर इंसुलेट्स एंड ओनली सेव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओनली स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और डाइलेक्ट्रिक के क्लासिफिकेशन यानी दो टाइप्स कौन से हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक समझ में आया ये अब हम देखेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स यानी क्या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आपको डायग्राम की तरफ देखो पोलर मॉले जो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है तो उसमें जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव चार्ज का तो इट डज़ नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव चार्जेस अब ये निगेटिव पॉजिटिव ऐसा क्या बोल रही हूँ मैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि शेप जो रहेगा पोलर डाइलेक्ट्रिक का वो कैसा रहेगा असीमेट्रिक शेप रहेगा तो जो डाइलैक्ट्रिक मॉलिक्यूल है उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास है तो ये पॉज यानी पॉजिटिव चार्जेस यानी क्या है पहले तो आप ये याद रखिए पॉजिटिव चार्जेस यानी उसको क्या बोलते हैं प्रोटॉन्स बोलते हैं ठीक है, है और निगेटिव जो चार्जेस रहते हैं उनको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं ठीक है ठीके? तो जो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है वो निगेटिव चार्ज के सेंटर को मैच नहीं करेगा ठीक है कोइंसाइड नहीं करेगा इसीलिए यहाँ पे दिया है अ डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मॉस मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस यानी कौन है प्रोटॉन्स ठीक है डज नॉट कोइंसाइड कोइंसाइड नहीं करता है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव अलग दिखाया है आपको दिखाई दे रहा है यानी यहाँ पे चाहिए था ना ये है सेंटर तो यहाँ पे नहीं है बाजू में है ठीक है तो इट डज़ नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव चार्जेस बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक इस वो मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं पोलर डा दा, वो डाइलेक्ट्रिक को क्या कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक यानी क्या याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं होता है निगेटिव चार्ज के सेंटर से ठीक है सो दे आर नोन एज पोलर डायलैक्ट्रिक ऐसा डायलैक्ट्रिक है कि जिसका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव चार्जेस और इसीलिए उसका शेप कैसा रहता है असिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैंस इट इज़ नोन एज पोलर डाई उसको क्या कहते हैं पोलर डाई कहते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर डाईलैक्ट्रिक ये है हमारा पोलर डाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पोलर डाई ठीक है और इसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल क्या है वाटर मॉलिक्यूल ये कौन सा मॉलिक्यूल है एच टू ओ है ना वाटर मॉलिक्यूल एच टू ओ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एच तो एच एच और ओ आपको दिखाई दे रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है तो इट बेंड्स इनटू टू ओएच बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं दो ओ एच बॉन्ड्स विच आर इंक्लाइंड ये इसका इसके बीच का एंगल कितना रहता है वन ज़ीरो फाइव डिग्री ठीक है इतना ही याद रखो सिर्फ कि वाटर मॉलिक्यूल कैसा इसका शेप अब अब यह कोइनसाइड नहीं हो रहा है इसके सेंटर्स जो है वो कोइंसाइड नहीं हो रहा है ठीक है बट दे आर इंक्लाइंड इंक्लाइंड है और उसका एंगल कितना है वन ज़ीरो फाइव डिग्री है ठीक है और एक एग्जाम्पल है आपके आपको दिखाई दे रहा है एस सी एल का एस सी एल भी सी एल निगेटिव रहता है एच पॉजिटिव रहता है दोनों के सेंटर्स जो है वो कोइंसाइड नहीं है दे आर नोन एज पोलर डाईलैक्ट्रिक ठीक है तो इसको जो डायपोल मोमेंट है ये तो इत, कितनी रहती है डायपोल मूवमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन रेस टू द पावर माइनस थर्टी मीटर ये सेंटीमीटर नहीं है ये क्या है कुलम है और मीटर क्या यूनिट है कुलम मीटर ठीक है पर डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या है कुलम मीटर समझ में आया क्योंकि डायपोल मूवमेंट पी इज इक्वल गिवन बाय द फॉर्मूला Q इन टू ट्वाइस एल वेहर क्यू क्या है Q इज द चार्ज चार्ज का यूनिट क्या है कुलम और ट्वाइस एल लेंथ है लेंथ का यूनिट क्या रहता है मीटर तो कुलम मीटर है ये तो कितने ऑर्डर रहती है उसकी तो परमानेंट डायपोल मूवमेंट कितने ऑर्डर का रहता है टेन रिज टू द पावर माइनस थर्टी कूलम मीटर ठीक है और वो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे वो एक छोटे छोटे डायपोल्स है हमने देखा है डायपोल यानी क्या है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इक्वल भी है बट दे आर अपोजिट चार्जेस ठीक है सेपरेटेड बाय द फाइनेट डिस्टेंस दे आर फॉर्म द डाइपोल यानी यहाँ पे भी कैसे है ये पॉजिटिव है एच ये निगेटिव है तो ये कैसा एक्ट कर रहा है एक प्रकार का ये डाइपोल ही है और फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट है ठीक है क्योंकि उनके सेंटर तो कोइंसाइड साइड नहीं है ऐसा ऐसा दिख रहा है कि आपको एक एच का सेंटर ये है और सी एल का सेंटर भी वहाँ पे ही है ऐसा तो नहीं दिख रहा है ठीक है कैसा दिख रहा है दोनों के सेंटर कोइंसाइड साइड नहीं है तो ये एक प्रकार का एच पॉजिटिव रहता है और सी एल निगेटिव रहता है तो एक प्रकार का ये के, कैसे बिहेव करते हैं ये दे आर एक्ट एज अ टाइनी इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है तो क्योंकि ये दोनों भी चार्जेस कैसे हैं दे आर सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस से है वो सेपरेट रहते हैं ठीक है डायपोल का ही कंसेप्ट है ना हमारा ये है डायपोल की डायग्राम मैंने यहाँ पे जहाँ पे अभी राइट किया है वहाँ पे निकाली है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐसे दो चार्जेस रहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल डाई यानी टू टू पोल्स क्रिएट हो गए वैसे ही ये ऐसे ही दिख रहा है ना प्लस और माइनस और दो स्मॉल uh, डिस्टेंस से वो सेपरेट हो गए हैं ठीक है एग्जाम्पल क्या है फिर पोलर uh, डाइलेक्ट्रिक का एस सी एल है ठीक है वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ एस सी एल एंड वाटर और अल्सो uh, एक है मिथेन सॉरी एन एच थ्री है एन एच थ्री है और अल्कोहल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक Osionfish. तो समझ में आया हैं पोलर यानी क्या है रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है पोलर डायलैक्ट्रिक यानी ऐसा डायलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है कि जिसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास को नहीं होता है निगेटिव जो चार्जेस के सेंटर ऑफ मास को ठीक है तो उसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक फर्स्ट पॉइंट को फिर से पढ़ेंगे अ डायलैक्ट्रिक मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज क्या है प्रोटॉन है डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव चार्जेस निगेटिव चार्ज यानी क्या है इलेक्ट्रॉन्स है बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक इसलिए क्यों क्योंकि उनका सिमेट्रिक शेप नहीं रहता असिमेट्रिक शेप रहता है ठीक है और परमानेंट डायपोल मूवमेंट के ऑर्डर कितनी है तो टेन रेस्ट टू द पावर माइनस थर्टी ये क्या है मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ कूलम मीटर है सेंटीमीटर नहीं है ये कूलम मीटर है क्यों कूलम मीटर उसका यूनिट रहता है मैंने अभी ऊपर यहाँ पे दिखाया है आपको ठीक है कूलम मीटर उसका परमानेंट डायपोल मूवमेंट का यूनिट है ठीक है और टाइनी डायपोल क्यों एक्ट होते हैं थर्ड पॉइंट को देखो दे एक्ट एज अ टाइनी इलेक्ट्रिक डायपोल्स टाइनी इलेक्ट्रिक डायपोल्स के क्यों एक्ट हो रहे क्योंकि अब देखो एच पॉजिटिव है सी एल निगेटिव है हमारा डायपोल का कंसेप्ट वैसे ही है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस वैसे यहाँ पे एक सेपरेट हो रहे ये दोनों स्मॉल डिस्टेंस हैं ठीक है एग्जाम्पल्स फोर्थ नंबर में दिया है एस सी एल वाटर अल्कोहोल एन एच थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायलैक्ट दाएलेक, पोलर डायलैक्ट्रिक्स ओके समझ में आया यहाँ पे हमारा पोलर डायलेक्ट्रिक पूरा कंप्लीट हो जाता है अब हम देखेंगे नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक को नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में अब आपको डायग्राम में ही दिखाई दे रहा है डायग्राम जिसको मैंने राइट किया अभी क्या दिखाई दे रहा है उसका पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड हो रहा है निगेटिव के सेंटर ऑफ मास से ठीक है तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डिस्टिंग्विशिंग आ सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक तो पोलर में कोइंसाइड नहीं होता था अब नॉन पोलर में आपको दिखाई दे रहा है कि कोइंसाइड हो रहा है ठीक है तो सेंटर्स ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव चार्जेस दोनों कोइंसाइड हो गए हैं ठीक है थीके? तो दे आर नोन एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ठीक है समझ में आया अब ये सिमेट्रिकल शेप है उन पोलर का शेप कैसा था असिमेट्रिकल था असिमेट्रिक शेप था पोलर का अब नॉन पोलर का कैसा है सिमेट्रिक शेप है ठीक है और अ, उसको डा डाइपोल डा, डा, मूवमेंट मुझे, थी रेस टू द पावर माइनस थर्टी ऐसा था ना कूलम मीटर ऐसे था बट इसको जो है अब कोइन साइड ही है तो दोनों सेपरेट ही नहीं है ऐसा है तो दोनों के इसमें डिस्टेंस ही नहीं है कुछ तो इसलिए उसकी डायपोल मूवमेंट इसको डायपोल मूवमेंट कितनी रहती है जीरो डायपोल मूवमेंट यानी पी की वैल्यू डायपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय पी पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे नॉन पोलर में जीरो है और पोलर में कितनी थी ये पोलर में है पी इज इक्वल टू टू द पावर माइनस थर्टी है ठीक है पोलर का शेप कैसा था असिमेट्रिक नॉन पोलर का शेप कैसा है सिमेट्रिक है ठीक है अब एग्जाम्पल्स क्या है H2 टू इज़ द एग्जाम्पल एक एच जो है वो एग्जाम्पल है H दो हाइड्रोजन एटम्स है N2 O2 CO2 आर द बेंजीन मीथेन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ये आपको दिखाई दे रहा है ये एच टू और सी ओ टू दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यही अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पर ये सब कोइंसाइड है ठीक है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है ओ ओ जिस सभी के सेंटर जो है वो कोइंसाइड हो रहे हैं आपको ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम है यानी पहले ओ है जो ओ रहता है फिर उसके इसमें सी है यहाँ पे सी है और और ये ऐसा है सिर्फ दिखाने के लिए डायग्राम ऐसे निकाली हुई है ठीक है समझ में आया वन बाय वन करके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे पहला पॉइंट को पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइ इन साइड कोइ इन साइड हो रहा है विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड नॉन पोलर डाईलैक्ट्रिक ओके समझ में आया पोलर में कोइंसाइड नहीं होते थे ठीक है अब सेकेंड को पढ़ेंगे शेप कैसा है सिमेट्रिकल शेप है दिस हैव सिमेट्रिकल शेप एंड हैव उसके डायपोल मूवमेंट कितनी है जीरो जीरो डायपोल मूवमेंट जीरो डायपोल मूवमेंट और सिमेट्रिकल शेप ये याद रखना है नॉन पोलर में क्या याद रखना है जीरो डायपोल मूवमेंट सिमेट्रिकल शेप पोलर में असिमेट्रिकल शेप और टेन रेस्ट टू द पावर माइनस थर्टी मीटर डायपोल मूवमेंट रहेगा ठीक है इसका एग्जाम्पल क्या है इसके एग्जाम्पल है एच टू एन टू ओ टू सी ओ टू बेंजीन एंड मीथेन ओके और ये है स्ट्रक्चर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी निकाला हुआ है तो समझ में आया ना अगर आपको पोलर और नॉन पोलर का डिस्टिंग्विश अगर पूछा तो फर्स्ट में आपको कोइंसाइड वाला पॉइंट लिखना है कि इसमें नॉर्थ कोइनसाइड रहता है सेंटर नॉट कोइन साइड और इसमें नॉन पोलर में कोइन साइड रहता है ठीक है कोइन कोइन साइड रहता है और इसमें शेप कैसा रहता है असीमेट्रिकल रहता है असीमेट्रिक शेप रहता है और नॉन पोलर में से शेप कैसा रहता है सीमेट्रिकल रहता है ठीक है ये ऐसा आप डिस्टिंग्विशन याद रख सकते हो थर्ड में अब इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो उसके ऑर्डर कितनी रहती है टेन रेस्ट टू तो द पावर माइनस थर्टी कूलम मीटर और इसको कितने डायपोल मूवमेंट रहती है इसकी ज़ीरो रहती है ठीक है फोर्थ पॉइंट में आप एग्जांपल्स लिख सकते हो इसके एग्जांपल्स क्या है एस है एच टू ओ और आ, अल्कोहल है एन एच थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर मोलिक्यूल्स और इसके एग्जाम्पल्स क्या है एच टू सी ओ टू एन टू आप लिख सकते हो ओ टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल्स और दोनों की रिप्रेजेंटेशन की डायग्राम आप डिस्टिंग्विशिंग में छोटी सी निकाल सकते हो ठीक है समझ में आया बहुत ईजी है ये पूरा थेरोटिकल है तो आप इसको दो दो बार पढ़ो यानी आपको और अच्छे से और टैक्टफुली याद रखो कैसे याद रखना है तो मैंने जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके नीचे अंडरलाइन इसलिए निकाल रही हूँ तो ठीक है अब हम देखेंगे पोलराइजेशन ये नॉन पोलर का देखेंगे और पोलर का देखेंगे यानी अगर एक्सटर्नल फील्ड अगर हमने अप्लाई किया तो नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक क्या कैसे हो जाते हैं और पोलर डायलेक्ट्रिक कैसे हो जाते हैं तो उसके पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सक्सेप्टिबिलिटी का थोड़ा सा वो भी कंसेप्ट हमको देखना है इलेक्ट्रिक सब्स सक्सेप्टेबिलिटी का भी कन्सेप्ट देखना है पर पहले हम पोलराइजेशन का कन्सेप्ट देख लेते हैं पोलराइजेशन यानी क्या है कि अगर हम कुछ कोई भी सब्सटेंस अगर हम प्लेस करते हैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है दे आर सपोज ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने क्या कर दिए है कुछ सब्सटेंस uh, वहाँ पे रखे हुए हैं ठीक है रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस जो है वो अपोजिट साइड में अरे पॉजिटिव चार्जेस ये साइड में अगर जाएंगे और तो निगेटिव चार्जेस कौन से साइड में जाएंगे अलग अलग साइड में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और जो मॉलिक्यूल है डेवलप करेगा एक डायपोल द्या, द्या, के तरह क्योंकि दोनों भी सेपरेट होने की वजह से यानी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव एक प्रकार का डायपोल क्रिएट होता है वहाँ पे और डायपोल तैयार होगा तो इसमें क्या क्रिएट होगा डायपोल मूवमेंट तैयार होगा तो इसको क्या बोलते हैं दिस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल उसको क्या कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल यानी जब कोई भी सब्सटेंस एक्सटर्नल फील्ड में अगर प्लेस किया तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस डिस्प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस क्या हो गए अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएंगे और क्या तैयार होगा वहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट देखो यहाँ पे फिर ऐसा एक ये साइड चला जा रहा है एक ये साइड चला जा रहा है तो इसमें फाइनाइट डिस्टेंस हो गया एक डिस्टेंस से अगर उनको कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या तैयार होगा नेट डायपोल मूमेंट और ये जो कंसेप्ट है इसको क्या बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल ठीक है उसको क्या बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल इज डिनोटेड बाय कैपिटल वेक्टर कैपिटल पी वेक्टर क्वांटिटी है ये इसीलिए कैपिटल वेक्टर पी से हम दिखाएंगे तो इसके इसका जो ये है फॉर्मूला क्या आएगा कि इट इज़ इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी अपॉन वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम ठीक है ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पोलराइजेशन यानी कैसा रहेगा फिर डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन पी अपॉन वी थी. ठीक है यानी डायपोल मोमेंट कैसा रहेगा डायपोल ये पोलराइजेशन कैसा रहेगा पोलराइजेशन यहाँ पे मैं लिखती हूँ पोलराइजेशन इट इज इक्वल टू डायपोल मूमेंट डायपोल मूमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ऐसा रहेगा ठीक है तो ये है पोलराइजेशन और जो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो इसको कैसे दिखाते हैं वो हम पढ़ेंगे बाद में पहले फर्स्ट नंबर का पॉइंट करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया ना कि देखो कुछ कोई सब्सटेंसेस अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस डिस्प्लेस हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में और वहाँ पे क्या डेवलप होगा डायपोल मूवमेंट तैयार होगा इसी को क्या बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सर्टन सब्सटेंसेस वेन प्लेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस गेट डिस्प्लेस पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस डिस्प्लेस होंगे इन अपोजिट डायरेक्शन एंड मॉलिक्यूल्स डेवलप क्या डेवलप होगा वहां पे नेट डायपोल मूवमेंट दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल उसको क्या कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल ठीक है अब सेकेंड पॉइंट को देखो द पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी ठीक है पोलराइजेशन किससे डिनोट करते हैं कैपिटल पी से और डायपोल मूवमेंट दिखाते हैं स्मॉल पी से अपॉन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन ठीक है अब जो आइसोट्रॉपिक अगर हमने डाईलैक्ट्रिक को अगर कंसिडर किया तो जो पी की वैल्यू कैसी रहती है हम देखेंगे फॉर आइसोट आइसोट्रॉपिक यानी सेम सेम सब्सटेंस वाले डाइलेक्ट्रिक आइसोट्रॉपिक यानी सेम सब्सटेंस वाले डाइलेक्ट्रिक के लिए पोलराइजेशन की वैल्यू क्या रहेगी तो इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर पी इज इक्वल टू ये है ाय इसको क्या बोलते हैं साय ठीक है तो इट इज वेक्टर ई ऐसी वैल्यू रहती है और इसको क्या बोलते हैं ये सिंबल को जाई ई इज ए कॉन्स्टेंट कॉल इलेक्ट्रिक सक्सेप्टिबिलिटी उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ डाईलैक्ट्रिक मीडियम एक्स के जैसा ही है ना वो साय है वो ठीक है क्या बोलेंगे झाय नहीं है साय है ठीक है साय बोलते हैं उसको एक्स के जैसा है इसलिए तो एक्स ई इलेक्ट्रिक क्या है इसलिए ई से दिखाया है एक्स जैसा ही आपको निकालना है थोड़ा सा एक्स को ऐसा खींचना है ओके तो इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक सक्सेप्टिबिलिटी उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडिया ठीक है पोलर आइसोटॉपिक डायलेक्ट्रिक के लिए कैसा रहता है पोलराइजेशन का वैल्यू वो की वैल्यू कैसे रहती है वेक्टर ये लर्न ही करो आप ये आपको इसका एक्स यानी एक्सप्रेशन नहीं है आगे जाकर है वो एक्सप्रेशन आप अभी आपको सिर्फ ये वैल्यू दी गई है आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा कैसी आई है तो ये बाद में आपको अभी आ, 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 हायर क्लासेस में है ये तो सिर्फ आपको याद रखना है कि कैपिटल पी इज इक्वल टू साई ई इंटू कैपिटल ई वेयर साई इज अ कॉन्स्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक सक्सेप्टिबिलिटी यानी सक्सेप्टिबिलिटी यानी जिसकी वजह से ये हो रहा है ठीक है ये फैक्टर है ठीक है तो इट इज़ नोन एज सक्सेप्टिबिलिटी वो प्रो हो रहा है ओके okay, तो इट इज नोन एज डाईलैक्ट्रिक सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम इलेक्ट्रिक सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ठीक है एग्जाम्पल्स क्या है फिर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस शो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन सभी जितने डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस है जैसे हमने देखे हुए है कि जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस है वो क्या शो करते हैं पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं जो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी हर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में रहती है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस कौन से कौन से Glass है ग्लास है वैक्स है वाटर है वुड तो है माइका रबर स्टोन प्लेट्स प्लास्टिक आर द डाइलैक्ट्रिक सब्सटेंसेस तो उनमें ये पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी रहती ही है ठीक है समझ में आया यहाँ तक ओके okay, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सक्सेप्टिबिलिटी क्या है तो जो ऐसी क्वांटिटी है कि सक्सेप्टिबिलिटी यानी प्रोन है किसके प्रो अब हम बोलते हैं ना ये एक्सीडेंट प्रोन है ये रास्ता जो है एक्सीडेंट प्रोन है वैसे ही ये इसकी वजह से हो रहा है ये जो क्वांटिटी क्या है तो ये क्वांटिटी दिखाती है डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ दा ठीक है ये क्वांटिटी यानी इसकी वजह से हम अब कोई अगर अच्छा नहीं बर्ताव कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि इसका जो ये है यानी उसका जो बिहेवियर है ये दर्शाता है कि ये अच्छा आदमी नहीं है वैसे कि ये डायलेक्ट इलेक्ट्रिक एक्सेप्टेबिलिटी इलेक्ट्र क्या डिस्क्राइब करता है तो यानी वहाँ पे अगर वो क्वांटिटी है यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है सब्सटेंस में ये दर्शाता है ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को देखो इलेक्ट्रिक एक्सेप्टबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम देख रहे हैं तो उसमें आपको एक मार्क्स के लिए आ सकता है एक्सप्लेन या डिफाइन इलेक्ट्रिक एक्सेप्टबिलिटी ऑफ डाईलैक्ट्रिक मीडियम तो क्या है अ क्वान्टिटी दैट डिस्क्राइब इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ अ डाईलैक्ट्रिक जो डाईलैक्ट्रिक है उसको इलेक्ट्रिकल बिहेवियर दर्शाता है यानी हमने अभी क्या बोला है कि जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है उसको डाई तो इलेक्ट्रिक कहा जाता है बट ये जो क्वांटिटी है ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि नहीं ये डाईलैक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या है इलेक्ट्रिकल uh, बिहेवियर उसका रिप्रेजेंट करती है ये क्वांटिटी क्या डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर डिस्क्राइब करती है इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डाईलैक्ट्रिक मीडियम क्या okay? यानी सक्सेप्टिबिलिटी यानी सक्सेप सक्सेप्ट है हम बोलते हैं ना ऐसे कि आ, इसके ऊपर संशय है वैसे अब हमने अभी क्या बोला है डाईलैक्ट्रिक मटेरियल यानी कैसा है कि जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस है डाईलैक्ट्रिक्स यानी नॉन कंडक्टिंग बोला है बट हम क्या बोल रहे हैं नॉन कंडक्टिंग होते हुए भी अब ये जो सक्सेप्टिबिलिटी है वो क्या दर्शाता है वो दर्शा रही है कि नहीं डाईलैक्ट्रिक डाईलैक्ट्रिक सब्सटेंसेज जो है वो क्या उसमें क्या है इट डिस्क्राइब्स डाईलैक्ट्रिक सब्सटेंसेस में वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर दिखाता है इलेक्ट्रिक बिहेवियर है ये दर्शाता है ठीक है तो उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक और इट इज़ डिनोटेड बाय ये साय से डिनोट करते हैं साय ठीक है इससे डिनोट करते हैं साई ई -E. आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिकल का ई e है वहाँ पे ये एक कांस्टेंट है और इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक अलग अलग ग्लास के लिए अलग होगा प्लास्टिक के लिए अलग होगा वाटर के लिए अलग होगा तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग 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 डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू रहती है ठीक है और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी रहती है फॉर वैक्यूम साई इज इक्वल टू जीरो उसकी वैल्यू कितनी रहती है ज़ीरो रहती है ठीक है ये कांस्टेंट तो है बट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट डाइलैक्ट्रिक्स अलग अलग डाईलैक्ट्रिक के लिए अलग अलग उसकी वैल्यू रहती है और वैक्यूम के लिए कितनी वैल्यू रहती है साई ई इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है समझ में आया क्या है तो इलेक्ट्रिक सक्सेप्टिबिलिटी कि इट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाईलैक्ट्रिक इतना याद रखना है ये जो लाइन है ये याद रखनी है कि इट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक ठीक है समझ में आया ओके तो अब हम देखेंगे वन बाय वन पोलराइजेशन पहले नॉन पोलर का देख लेते हैं जैसे बुक में दिया है वैसे ही ले रहे हैं और फिर पोलर में दिख लेते हैं अब पोलराइजेशन अभी हमने देखा था पोलराइजेशन यानी क्या है पोलराइजेशन अब हम डिटेल में देखेंगे नॉन पोलर -polar में पोलराइजेशन कैसा रहता है और पोलर polar में पोलराइजेशन कैसा रहता है नॉन पोलर में अगर हम यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट रहता है ठीक है एक्सटर्नल फ्री फील्ड अगर प्रेजेंट रहता है तो कैसा रहता है और एक्सटर्नल फील्ड एबसेंट रहता है तो कैसा रहता है ठीक है तो अगर एक्सटर्नल uh, फील्ड जो है अगर अपसेंट रहता है यानी ई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो ई जीरो की वैल्यू कितनी है ज़ीरो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपसेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड एबसेंट है तो उसके मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पोलर नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक कैसा दिखाई दे रहा है आपको कि बराबर वो प्लस माइनस हमने नॉन पोलर यानी क्या है पॉजिटिव और निगेटिव के जो सेंटर है वो कोई इन साइड हैं ना तो इसीलिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक ही इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो कुछ भी उसमें एक्शन नहीं हो रही है ठीक है इन द एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम आप ये डायग्राम आपको करनी है अब हम एक्सटर्नल फील्ड में क्या होता है हम देखेंगे अब जैसे एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद में क्या होता है वो हम देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है हर एक मॉलिक्यूल का तो इट uh, इज़ पुल इन द डायरेक्शन ऑफ ई ज़ीरो जैसे जब पॉजिटिव वाला है ये साइड में अब ई ज़ीरो के कौन से साइड में है ये साइड में अब है तो सब ये पॉजिटिव वाला क्या होगा ये पुल होगा ठीक है एक साइड में पुल होगा पहले कैसा था ये ऐसे था ना पॉजिटिव निगेटिव अब पॉजिटिव वाला एक साइड में पुल होगा किसके डायरेक्शन में ये डायरेक्शन ऑफ ई ज़ीरो जो आ, हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डायरेक्शन में वो पुल होगा ठीक है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्प्लेस एट अनदर डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में पुल होगा सो so, दो सो so, ये जो दोनों भी सेंटर क्या हो गए सेपरेट हो गए एंड जो मॉलिक्यूल है वो डिस्टर्ब यानी डिस डिस्टोर्टेड हो जाएगा डिस्टोर्टेड यानी उसका कैसा तो भी हो जाएगा ठीक है उसका शेप बिगड़ गया ना अभी तो डिस्टोर्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं डिस्टोर्शन डिस्टॉर्शन यानी उसमें बिगड़ आ गया डिस्टॉट हो गया है तो समझ में आया कि अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया पहले हमारा मॉलिक्यूल कैसा था ये ऐसा नीचे मैंने निकाला है वैसे फिर क्या होगा एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद में जो पॉजिटिव वाला है वो खींचा जाएगा इन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में और निगेटिव वाला जो रहेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जाएगा तो हमारा नया कैसा तैयार होगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है अब नया वाला ऐसा तैयार होगा पॉजिटिव वाले एक साइड में जाएगा निगेटिव वाला एक साइड में जाएगा ठीक है ऐसा तैयार हो गया है तो इस प्रकार से ये तैयार हो गए हैं अभी ठीक है और पूरा मॉलिक्यूल पहले कितने अच्छे से था ना ऐसा था बिल्कुल तो अब ये क्या हो गया है डिस्टोर्टेड डिस्टोरटेड यानी उसका शेप बिगड़ गया है वो यानी डिस्टर्ब हो गया है ठीक कैसे तो भी बिगड़ बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं उसका शेप बिगड़ गया है ठीक है और जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये चार्जेस के कब स्टॉप होगी वेन फोर्स जो है एग्जर्टेड ऑन द ऑन देम बाय द एक्सटर्नल फील्ड इज बैलेंस बाय द रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स का uh, काम क्या है रिस्टोरिंग फोर्स उसके नाम में ही सब लिखा हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है वो रिस्टोर करते हैं अपने जगह पर uh, अलाकर रखने का काम करने वाला फोर्स ठीक है तो जब एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट होता है सपोज इट इज़ एफ तो इट इज़ इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अगर ये दोनों बैलेंस अगर होते हैं तो ये कैसे हो जाता है ये चार ये जो डिस्प्लेसमेंट है चार्जेस का वो स्टॉप हो जाता है ठीक है तो समझ में आया क्या द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस स्टॉप्स वेन फोर्स एग्जर्टेड जो फोर्स एग्जर्ट करता है बाय द एक्सटर्नल फील्ड इट इज़ बैलेंस बाय रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से बैलेंस होगा बैलेंस कौन करता है रिस्टोरिंग फोर्स बैलेंस करता है ठीक है जो मैंने बॉक्स में निकाला है उसकी तरफ देखो ठीक है तो इसलिए उनका फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्टॉप हो जाता है और एक हर एक मॉलिक्यूल आपको कैसे दिखाई दे रहा है कि एक टाइनी डायपोल बन गया है टाइनी डाइपोल डायपोल हमने देखा हुआ है डायपोल यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेपरेटेड बाय द फाइनेट डिस्टेंस ऐसे ही यहाँ पे तैयार हो गए हर एक डायपोल तैयार हो गए डाय यानी दो डायपोल जैसा तैयार हो गया है ठीक है, है। तो ईच मॉलिक्यूल बिकम्स नाउ डायपोल एक डायपोल तैयार हो गया कैसा डायपोल है टाइनी छोटा छोटा डायपोल तैयार हो गया है और उसको क्या रहेगा उसको अगर डायपोल है तो उसको क्या रहेगी डायपोल मूवमेंट उसको क्या रहेगा डायपोल मोमेंट रहेगा ठीक है, रहे है। तो डिफ ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल की जो डायपोल मूवमेंट है वो ऐड होगी और वी गेट द टोटल या नेट डायपोल मोमेंट ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड यानी हर एक को यहाँ इसको भी डायपोल मूवमेंट रहेगी इसको भी पी स्मॉल पी से दिखाते हैं इसका भी पी हर एक डायपोल मूवमेंट रहेगा तो जो नेट टोटल डायपोल मूवमेंट कैसे रहेगी सम ऑफ ऑल दिस डायपोल मूवमेंट ठीक hmm. है समझ में आया तो ये आपको आ, मुझे लगता है समझ में आना चाहिए बहुत ही इजी है पढ़ते हैं देखो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ई जीरो देखो सेंटर जो है पॉजिटिव वाले का वो पुल्ड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ई जीरो वाइल इजीरोल सेंटर्स ऑफ निगेटिव चार्जेस आर डिस्प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन में है निगेटिव वाला ठीक तो है तो देयर फॉर द टू सेंटर्स आर सेपरेटेड एंड मॉलिक्यूल्स गेट डिस्टोर्टेड डिस्टॉर्ट यानी बिगड़ गए हैं ठीक है तो ईच मॉलिक्यूल बिकम्स क्या बन गए हैं वो टाइनी डाइ डाइपोल हैविंग अ डायपोल मूवमेंट टाइनी डायपोल बन गए हैं तो उनको क्या रहेगा डायपोल मूवमेंट रहेगा और जो इंड्यूस डायपोल मूवमेंट फिर कैसा रहेगा ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एड अप सभी के मॉलिक्यूल uh, के डायपोल मूवमेंट ऐड होंगे और वी गेट नेट टाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ठीक है नॉन पोलर का समझ में आया ये तो अब हम ऐसे ही देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड दोनों भी देखेंगे देखो हेडिंग क्या है पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है पहले तो एब्सेंस में कैसा दिखता है देखो एब्सेंस में आपको कैसे दिखाई दे रहा है कि द पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे मैंने हेडिंग दिया है अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं इसलिए जीरो बताया है ठीक है तो वो ऐसे रैंडमली अरेंज आपको दिखाई दे रहा है ठीक है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा तो पहले तो एब्सेंस का देख लेते हैं ये पोलर मोलिक्यूल है जिनके सेंटर कोइंसाइड नहीं रहते हैं इसलिए ये ऐसा और ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक है हमने देखा हुआ है पोलर नॉन पोलर तो पोलर है तो सेंटर सेपरेट है तो वो डायपोल जैसे ही है रहते हैं तो इन द एबसेंस ऑफ उल्टा हो गया नॉन uh, पोलर कैसा था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायपोल uh, नहीं रहते थे बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे बिकम्स डायपोल तो अब यहाँ पे देखो पोलर में कि इन द एबसेंस ऑफ एबसेंस में अब्सेंस किसका अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कैसे बिहेव कर रहे हैं फील्ड में वो कैसे बिहेव कर रहे हैं दे बिहेव एज अ टाइनी परमानेंट परमानेंट है ना उनका शेप परमानेंट डायपोल जैसा वो बिहेव करेंगे ठीक है परमानेंट डायपोल जैसा वो बिहेव करेंगे ओके okay? सॉरी टाइम टाइनी परमानंट डायपोल मूवमेंट रहेगा उनको ठीक है डायपोल के जैसा बिहेव करेंगे तो उनको क्या रहेगा परमानेंट डायपोल मूवमेंट रहेगा इन द एक्सटर अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो uh, वो कैसे रहेंगे दे आर रैंडमली ओरिएंटेड कैसे दिखाई दे रहा है आपको रैंडम रैंडमली दिखाई दे रहा है ठीक है रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे तो इसीलिए अब यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट है उनकी वो कैसे रहेगी डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो डायपोल क्योंकि देखो आपको दिखाई दे रहा है डायपोल दै, मोमेंट उसका क्यों जीरो रहता है बिकॉज कैसे दिखाई दे रहा है आपको वो रैंडमली ओरिएंटेड है हैंस द डायपोल टोटल डायपोल मोमेंट कैसे रहेगी उनके जीरो रहेगी ठीक है समझ में आया अब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद में क्या होगा ये हम देखेंगे कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे अब टीचर आ गए क्लास में ये तो बच्चे अब अच्छे से बैठेंगे वैसे ही है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में ये अब अच्छे बच्चे बन गए हैं जैसे यानी एक ऐसा और एक ऐसा ये बिल्कुल अच्छे से एक ही लाइन में आ जाएंगे ठीक है अच्छे से बैठ जाएंगे ओके okay? ऐसा याद रखो यानी आपको इजी जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन प्रेजेंस वेट वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन दिस डाइपोल मोमेंट्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टेन टू अलाइन ये अलाइन बैठे हैं, ठीक है थीके? अच्छे से बैठे हैं ठीक है इन विद द फील्ड और जो डायपोल इलेक्ट्रिक uh, uh, जो डाईलैक्ट्रिक uh, जो डेवलप होता है तो यानी डेवलप करता है नेट डाइपोल मोमेंट को इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड तो ये डायलेक्ट्रिक इन दिस केस वी से दैट दे आर पोलराइज अब यहाँ पे हम बोलेंगे दे आर पोलराइज ऐसे अच्छे से बैठ गए है ना ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर क्या कैसे लिखेंगे इसको कि इफ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड देन क्या होगा दे अलाइन ठीक है तो वो क्या हो जाएंगे अलाइन होंगे और एज अ रिजल्ट डायलेक्ट्रिक डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड अब इनमें क्या रहेगा डायपोल मोमेंट प्रेजेंट रहेगा ठीक है डायपोल मोमेंट प्रेजेंट रहेगा ठीक है और अलाइन होगा और डायपोल मोमेंट प्रेजेंट रहेगा ओके और जो पोलराइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है वो हमको देखना है तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि अगर फील्ड एब्सेंट है तो वो रैंडमली आपको दिखाई दे रहा है और डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है ज़ीरो है और अगर वैसे हम फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अलाइन हो जाएंगे अच्छे बन जाएंगे ठीक है और जो यहाँ पे क्या डेवलप होगा नेट डायपोल मोमेंट डेवलप होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ठीक है और हेंस वी से दैट दिस डायलैक्ट्रिक गेट्स पोलराइज ये डायलैक्ट्रिक क्या हो जाएगा पोलराइज हो जाएगा ठीक है ये जो पोलराइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है ये हम देखेंगे टू अपोजिंग एनर्जीज पे डिपेंड होता है उसको हम देखेंगे तो यहाँ तक यहाँ पे हमने आपको दिखाई दे रहा है वही है कि पहले ये ऐसा है इन द एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और फिर कैसा होगा अच्छे से वो बन गए हैं अभी हम पढ़ते नहीं हैं बहुत इजी है आप पढ़ लीजिएगा आगे जाएंगे हम डायरेक्ट कि जो पोलराइजेशन है द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ टू अपोजिंग एनर्जीज फर्स्ट क्या है द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड विच टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड पहले तो वो क्या करेगा एक तो अलाइन रहेगा ठीक है अलाइन या रैंडम ये दो याद रखिएगा रैंडम ठीक है पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड है पोलराइजेशन ये जो पोलराइजेशन हम क्या देख रहे हैं पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड है तो फर्स्ट अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड विच टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड और थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू रैंडमाइज़ द अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल ठीक है एक तो जो एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई करें कर रहे हैं कि जिसके वजह से वो डायपोल क्या होगा अलाइन हो जाएगा इसके ऊपर ये पोलराइजेशन डिपेंड है अलाइनमेंट पर और सेकेंडली जो थर्मल एनर्जी लगती है वो क्या करेगी रैंडमाइज़ करेगी द अलाइनमेंट रैंडम यानी रैंडमली अब हमने अभी देखा है रैंडमली यानी कैसे भी वो ऐसे कैसे आड़े टेड़े रहेंगे ओके तो रैंडमली उसको रखेंगे थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू रैंडमाइज़ यहाँ पे रैंडमाइज़ याद रखना है यहाँ पे ऊपर अलाइन याद रखना है ठीक है अलाइनमेंट रैंडमाइज द अलाइनमेंट यानी जो अलाइन थे तो उसको क्या कर देंगे रैंडमाइज ओके okay, समझ में आया ये ये हो गया हमारा पोलर का ओके okay, तो अब हम देखने वाले हैं अगर हमने कम कर दिया है अगर जो एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाईलैक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर हमने उसमें रिडक्शन कर दिया है ड्यू टू द पोलराइजेशन तो क्या होगा ये हमको देखना है तो हिडिंग हमारा देखो क्या है रिडक्शन ऑफ डाईलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाईलैक्ट्रिक यानी पोलराइजेशन की वजह से डाईलैक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा रिडक्शन होगा रिडक्शन यानी रिड्यूस होगा कम होगा तो क्यों होगा कम कि अब हम क्या करने वाले हैं कि देखो मैं डायग्राम के दिखाती हूँ अब हम क्या करने वाले हैं कि एक ये जो डायलेक्ट्रिक है हम उसको प्लेस करने वाले हैं इन द एक्सटर्नल फील्ड डायलेक्ट्रिक को प्लेस किया इन द एक्सटर्नल फील्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है तो अब क्या होगा द ये जो फील्ड है इनसाइड द डायलेक्ट्रिक इज लेस देन द एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन यानी जो अंदर अंदर फील्ड कम रहेगा डाइलेक्ट्रिक की इट इज लेस देन द एक्सटर्नल फील्ड इन की इन वाली फील्ड कम रहेगी और बाहर की ज़्यादा रहेगी ड्यू टू द पोलराइजेशन ठीक है तो अब हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक ये जो आपको दिखाई दे रही है ये ये क्या है रेक्टेंगुलर डाईलैक्ट्रिक स्लैब रेक्टेंगुलर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है ये ठीक है और ये कहाँ पे प्लेस किया है हमने एक यूनिफॉर्म फील्ड में उसको प्लेस किया है ओके तो अब ये जो है अब यहाँ पे हमने प्लेस किया है तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है दे आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट इन ए डाईलैक्ट्रिक सो देर इज नो करंट यहाँ पे कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा वेन प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कोई भी करंट करंट तैयार नहीं होता है ओके okay, तो अब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड uh, जो है वो स्लाइटली उसके रीअरेंजमेंट करते हैं ऑफ चार्जेस और uh, जैसे ही फिर क्या होगा इलेक्ट्रिक uh, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट uh, तो तैयार नहीं होगा यहाँ पे मैं लिखती हूँ नो इलेक्ट्रिक करंट रिजल्ट्स यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट रिजल्ट नहीं होगा यह, नहीं होगा यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट ठीक है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या प्रोड्यूस करेगा तो इट प्रोड्यूसेस अ स्लाइट रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस अरेंजमेंट कर रहा है देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अलाइनमेंट कर दिया पॉजिटिव प्लस यहाँ पे है एक पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा निगेटिव वाला अपोजिट जाएगा जैसे हमने पढ़ा हुआ है ये तो एक बाजू में इसलिए निगेटिव दिख रहा है एक बाजू में इसलिए पॉजिटिव दिख रहा है आपको ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस लाइट रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस विद द एटम्स रिजल्टिंग इन aligning देम विद द फील्ड आपको यहाँ पर अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है ना पहले ऐसा था अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में क्या होगा पॉजिटिव वाले ये साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में जाएंगे और negative वाले opposite साइड में जाएंगे तो इसलिए आपको ये अरेंजमेंट दिख रही है ठीक है और ये इसमें ये प्रोसेस के दौरान क्या होगा ये चार्जेस मूव ओनली ओवर डिस्टेंसेस दैट आर लेस देन द एटॉमिक डायमीटर जितनी एटॉमिक डायमीटर रहती है तो रहता है तो उससे भी लेस ये मूव होंगे समझ में आया अब ये जो है अलाइनमेंट ऑफ डायपोलो मोमेंट देर इज अ Uh, थोड़ा सा चेंज होगा पॉजिटिव uh, जो है वो राइट right साइड में जाएंगे नेगेटिव जो है वो लेफ्ट साइड में जाएंगे ये तो हमने अभी देखा हुआ है और ये जो शीट्स uh, है तो ये कैसे रहेंगी शीट्स तो दिस टू शीट्स ऑफ ये जो अब देखो यहाँ पे ये जो दो शीट्स हम हमने इंट्रोड्यूस किए हैं दे प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो एंड इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन फील्ड इन द इंसुलेटर विच अपोजेस द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा जो ई ज़ीरो है ई ज़ीरो यानी जो फील्ड प्रोड्यूस होगा ओके okay, तो ये जो है शीट शीट इंट्रोड्यूस शीट इंड्यूस करेगा एक नया फील्ड इट इज़ नोन एज ई ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ कॉल्ड एज द पोलराइजेशन फील्ड और इन द इंसुलेटर विच अपोज ये ई ज़ीरो जो प्रोड्यूस हुआ है ये अपोज़ करेगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को ठीक है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक इट इज इक्वल टू अब कैसा रहेगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इट इज इक्वल टू अप्लाइड फील्ड अप्लाइड फील्ड कितना है सम ऑफ द अप्लाइड फील्ड है ई e, माइनस अब सम uh, बोला है ना तो प्लस पर दोनों अपोजिट वाले हैं ना अपोज कर रहे हैं इसलिए माइनस आएगा वहाँ पे और पोलराइजेशन फील्ड रहेगा ई e, जीरो ठीक है तो इसलिए अब आपके बुक में यहाँ पे ई डैश बोला है इसको तो जो नेट जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा क्या किया है जो पोलर ये नया इंड्यूस होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ डिनोटेड बाय ई जीरो यानी इट इज़ द पोलराइजेशन फील्ड इसको बोलेंगे हम पोलराइजेशन फील्ड ठीक है पोलराइजेशन फील्ड इज डिनोटेड बाय ई ज़ीरो ई ज़ीरो से हम दिखाएंगे और ये अप्लाइड वाली है ये हमारा अप्लाइड है ठीक है तो जो नेट फील्ड मिलेगा हमको तो नेट फील्ड यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है नेट फील्ड इट इज इक्वल टू ये है फॉर्मूला ई क्या है ई इज़ अप्लाइड फील्ड माइनस पोलराइजेशन फील्ड माइनस नहीं है वो वेक्टर सम है दोनों अपोजिट साइड में है इन मैग्नीट्यूड इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है तो ये समझ में आया अब वन बाय वन फिगर के तरफ देखो ये फर्स्ट फिगर क्या है व्हेन अ डायलेक्ट्रिक इज प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल बिकम्स अलाइन ये ऐसा अलाइन रहेंगे ठीक है सेकेंड फिगर देखो इंड्यूस सरफेस चार्जेस ऑन द डायलेक्ट्रिक इस्टेब्लिश अ पोलराइजेशन फिर क्या तैयार होगा उसमें पोलराइजेशन तैयार होगा पोलराइजेशन फील्ड की वैल्यू है ई जीरो क्या तैयार हो गई है पॉजिटिव वाले एक साइड निगेटिव वाले दूसरे साइड तो उसमें क्या तैयार होगा पोलराइजेशन फील्ड तैयार होगा इट इज़ डिनोटेड बाय ई ज़ीरो ठीक है तो अब क्या होगा आगे नेट फील्ड ई कैसा रहेगा वो उसकी डायग्राम है देखो नेट फील्ड ई ऐसा रहेगा दिस इज नेट फील्ड ई इट इज वेक्टर सम ऑफ ई कैसा रहेगा इट इज वेक्टर सम ऑफ ई डैश ई डैश है ई डैश इज इक्वल टू ई विक्टर ई माइनस ई ज़ीरो ऐसा रहेगा ठीक है ये यहाँ तक समझ में आया तो अगर ये फील्ड अप्लाइड फील्ड अगर ग्रेटर रहेगा तो ये जो अलाइनमेंट है अलाइनमेंट भी कैसा रहेगा इट इज़ ग्रेटर रहेगा अलाइनमेंट भी कैसा रहेगा ग्रेटर रहेगा ठीक है अलाइनमेंट किसका डायपोल का ठीक है और ये सब ग्रेटर रहेगा तो पोलराइजेशन फील्ड भी कैसी रहेगी इजरो क्या है इट इज़ नोन एज पोलराइजेशन पोलराइजेशन फील्ड ये भी कैसी रहेगी इट इज़ रहेगा ये भी ग्रेटर रहेगा ठीक है समझ में आया अगर इंड्यूस डायपोल मोमेंट हम वेन वी रिमूव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देन जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगी डिसपीयर हो जाएगी और uh, uh, ये समझ में आया ना कि uh, जो पोलराइजेशन की वजह से जो फील्ड तैयार होता है इसको हम इजीरो बोलेंगे पोलराइजेशन फील्ड ठीक है अगर ग्रेटर अलाइनमेंट हमको चाहिए तो एक्सटर्नल फील्ड अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर डायपोल मोमेंट रहेगा ठीक है अलाइनमेंट ग्रेटर रहेगी और अलाइनमेंट ग्रेटर रहेगा तो पोलराइजेशन फील्ड भी कैसे रहेगा ग्रेटर रहेगा ओके okay, तो आप अभी अभी हम बहुत बड़ा हो गया है लेक्चर भी मेरा आज ये शांति से आप पढ़ो बराबर आपको समझ में आएगा दो दो तीन तीन बार पढ़ने के बाद में ठीक है तो यहाँ पे आज हम रुक जाते हैं ये इतना ये रिडक्शन के से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब कल का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का तो उसको हम देखेंगे ओके आज के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं बाय बाय हैव अ गुड डे थैंक यू